तो अगर तुम लोग फूड ब्लॉगिंग देखना पसंद करते हो तो फिर तुम दिल्ली के घनश्याम छोले भटूरे वाले को तो जानते ही होगे, जो कि अपने शॉप पे बहुत सारे फूड ईटिंग चैलेंज कर रहे हैं, जिनमें से उसका सबसे फेमस है सुना है 2 प्लेट भटूरे और 1 लस्सी हमारी 3 मिनट के अंदर खत्म करो सर, और 5100 रुपए मैं देता हूँ इनाम पूरा का पूरा। अरे भाई साहब, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि सारे फूड चैलेंजेस फेक होते हैं, इनमें तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, और जो यूट्यूबर इधर वीडियो बनाने के लिए जाते हैं उनको भी पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि उनके टाइमर में चीटिंग करी गई होती है। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं होता तो स्क्रिप्ट को ध्यान से देखना, तो ये बंदा टाइमर शुरू करने के लिए बोल देता है और जैसे ही शुरू होता है वो खाना भी शुरू कर देता है। तो शुरू में तो कोई भी कट नहीं होता, ना ही कोई भी चीटिंग होती है। चीटिंग शुरू होती है 27 सेकंड से। अब इस क्लिप को ध्यान से देखना कि कैसे चीटिंग हुई है। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो उसके मुंह में पूरा भटूरा भरा हुआ है, और भी ठूस लेता है, लेकिन अब इसके हाथ में आधा भटूरा होता है और उसके मुंह में पूरा भरा हुआ होता है। लेकिन अब 4 सेकंड का कट लगता है जिसमें इसका मुंह का भटूरा भी गायब हो जाता है और हाथ का भी गायब हो जाता है, लेकिन कैसे? यार मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि अभी इस बंदे ने 1 प्लेट भी भटूरे की खाली नहीं करी है, लेकिन ये पीछे से लोग क्यों चिल्ला रहे कि हो जाएगा हो जाएगा। अब इस क्लिप ध्यान से देखना कि इस बंदे ने कितनी अच्छी तरीके से वीडियो में कट लगाया है। अब तुम लोग देख ही सकते हो पहली प्लेट पे ही 1 मिनट और 24 सेकंड होने को है, लेकिन जैसे ये बंदा दूसरी प्लेट पे शिफ्ट होता है तब टाइमर को रिसेट कर दिया जाता है, जो कि शुरू होता है 1 मिनट और 23 सेकंड से। तो अगर तुम लोगों को अभी भी लगता है कि चैलेंज रियल था, कि कोई भी फेक चैलेंज नहीं है, तो इस क्लिप को भी ध्यान से देखना, जिसमें कि तुम लोगों को साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि ये फेक चैलेंज है। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो 10 सेकंड बाकी रह गई हैं और इसका भी लस्सी भी बाकी है, लेकिन अब तो इतनी बढ़िया तरीके से कट लगाया जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि कुल्हड़ कब कब खाली हो गया है। अब तुम लोग देखना कि जैसे उसने कुल्हड़ को उठाया था तो 1 मिनट का कट था, जैसे उसने पिया नहीं था वो खाली कुल्हड़ था, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कि कोई भी उसका थ्रॉट का मूवमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब था कि ये पूरा का पूरा चैलेंज फेक है। तो ये क्लिप मैंने उसकी दूसरी वीडियो से निकाली है, जिसमें कि उसने बाहुबली थाली को खाया था अपने दोस्त के संग मिलकर। यार अब तुम लोग इस खाने की क्वांटिटी देखो, 1 प्लेट नहीं 1 कटोरा भर के तो नान है, 2 बाल्टी चावल की है, इतने तो जूसेस हैं कि एक बंदा पीगा तो उसका वेट तो वैसे ही भर जाएगा। ये 2 बंदे कैसे खत्म कर पाएंगे इस थाली को? और इतना खाना तो एक गाय भी नहीं खा पाएगी एक बार में, ये लोग कहाँ से खा पाएंगे? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर देना। मुझसे बात करनी है तो डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।